हेलो एवरीवन मेरे चैनल में आपका स्वागत है हाँ हमने अभी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था एशियन साइंटिस्ट जो कि इंडियन है उनके बारे में अब मैं आपको एक एक करके उन साइंटिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो सबसे पहला हम करेंगे आर्यभट्ट के बारे में ये जो सामने फोटो है ये आर्यभट्ट जी का है और ये एंशियंट के जीनियस थे मतलब पुराने समय के जो प्राचीन साइंटिस्ट थे इंडिया में उनमें ये सबसे मेन है कहा जाए सबसे ज़्यादा जीनियस थे इन्हें सबसे ज़्यादा खोजें की हैं तो चलिए अब हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं ओके ये देखिए ये आर्यभट्ट का जीवन परिचय मैं आपको बताने वाली हूँ आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं ये गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे मतलब इन्हें ब्रह्मांड के बारे में भी कई बातें बताई हैं और गणित के बारे में भी इनका जन्म चार ईस्वी में बिहार में हुआ था इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है मैंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय के भी बारे में बताया था कि वहां से बहुत सारे पुराने समय में साइंटिस्ट निकले हैं तो उनमें से ही एक आर्यभट्ट भी थे उनके मुख्य कार्यों में से आर्यभीय चार सौ निन्यानवे ईस्वी में लिखा गया था उन्होंने जितनी भी खोजें की हैं उनको आर्यभ में लिखा है ये उनकी एक बुक है इसमें बहुत सारे विषयों और खगोल विज्ञान गोलीय त्रिकोणमिति अंकगणित पीचगणित और सरल त्रिकोण मति का भी वर्णन है उन्होंने गणित और खगोल शास्त्री के अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में लिखा है उस समय संस्कृत चलती थी और श्लोक चलते थे इसलिए उनकी जितनी भी खोजें हैं वो श्लोकों में लिखी गई है इस किताब का अनुवाद लेटिन में शताब्दी में किया गया था ने लेटिन संस्करण की सहायता से यूरोपीय ने त्रिभुज का क्षेत्रफल गोलीय आयतन की गणना के साथ साथ कैसे वर्गमूल और घनमूल की गणना की जाती है ये सब सीखा है मतलब इंडिया के जो साइंटिस्ट है उन्हीं से मैक्सिमम बाहर के लोगों ने सब कुछ सीखा है हम लोगों के यहाँ जो भी पुराने चीजें मिली हैं जो संस्कृत में थी या अदर लैंग्वेजेस में थी उनको कन्वर्ट करा गया है और फिर हमें पता चला है कि वो लोग को कैसे थे और उनके समय पर उन्हें क्या क्या खोज की है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्तम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपनी ही अक्ष पर घूमती है जिसके स्वरूप दिन और रात होते हैं उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि चंद्रमा काला है और वो सूर्य की ओर सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है उन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों के विषय में तार्किक स्पष्टीकरण दिए थे उन्होंने बताया था कि ग्रहों की मुख्य वजह पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा निर्मित परछाई है उन्होंने सौर प्रणाली के भूके मॉडल को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और उन्हें गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की नींव भी रखी थी उन्होंने अपने आर्य भट्टीय शीघ्रों को श्री घ्रोका में जो पंचांग हिंदू कैलेंडर बनाने के प्रयोग किया जाता था खगोलीय गणनाओं के तरीकों को प्रतिपादित किया था जो सिद्धांत कोपरनिकस और गैलीलियो के प्रत, ने प्रतिपादित किए थे उनका सुझाव आर्यभट्ट ने 1500 वर्षों पूर्व ही दे दिया था मतलब उन लोगों ने जब किया है उससे 1500 वर्ष पहले ही इन्होंने वो सब चीजें कर ली थी गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान अद्वितीय उन्होंने त्रिकोण और व्रत के क्षेत्रों को निकालने के लिए सूत्र का सुझाव दिया था जो सही साबित हुए गुप्त शासन बुद्धगुप्त ने उन्हें उनके असाधारण कार्यों के लिए विश्वविद्यालय का प्रमुख नियुक्त किया था उन्होंने पाई की अपरिमित मान दिया था उन्होंने पाई का मान जो बताया था थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स के बराबर था निकाला जो कि बिल्कुल सटीक था वो पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्या मतलब साइन तालिका दी जो तुकांत वाले एक छंद के रूप में थी जहाँ प्रत्येक इकाई चाप में 225 मिनट्स या 3 डिग्री 45 मिनट्स के अंतराल पर बढ़ती थी वृद्धि संग्रह को परिभाषित करने के लिए वर्णमाला कोट का प्रयोग किया अगर हम आर्यभट्ट की तालिका का प्रयोग करें और जिया 13 के मान की गणना करें जो कि 0.5 है 5 है, है एकदम सही निकलती है उनके वर्णमाला कोड को सामान्यतः आरभट सिफर के रूप में जाना जाता है अब मैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताऊंगी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ वर्णन में आर्यभट्टीय में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शत संवत 398 मतलब 476 लिखा है इस जानकारी से उनके जन्म का साल तो निर्विवादित है परंतु वास्तविक जन्म स्थान के बारे में विवाद है कुछ स्थानों के कुछ स्रोतों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश में हुआ था और ये बात भी तय है कि उनके जीवन में के किसी काल में वे उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुरा गए थे और कुछ समय वहाँ रहे भी थे हिंदू और बौद्ध परंपराओं के साथ साथ सातवीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र के रूप में की थी यहाँ पर अध्ययन का एक महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था और संभव है कि आर्यवट इससे जुड़े हुए थे ऐसा संभव है कि गुप्त सम्राट के अंतिम दिनों में आर्यवट वहां रहा करते थे गुप्त काल को भारत में स्...

34 श्लोक सी उपलब्ध हैं और उतना उपयोगी इतना उपयोगी ग्रंथ गुप्त कैसे हो गया इस विषय में भी विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है अब आर्यभट्टीय के बारे में देखिए आर्यभट्टीय उनकी मेन बुक थी आर्यभट्टीय उनके द्वारा लिखे गए कार्यों का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करता है ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने स्वयं इसे यह नाम नहीं दिया होगा बल्कि बाद में टिप्पणीकारों ने आर्यभट्टीय नाम का प्रयोग किया गया होगा इनका उल्लेख भी आर्यभट्ट के शिष्य भास्कर प्रथम ने अपने लेखों में किया है इस ग्रंथ को कभी कभी आर्य शत अष्ट मतलब आर्य आर्यभट्ट के 108 जो की उनके पाठ के छंदों पाठ में छंदों की संख्या है के नाम से भी जाना जाता है आर्यभट्टीय में वर्ग मूल घर मूल समी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है वास्तव में यह ग्रंथ गणित और खगोल विज्ञान का संग्रह है आर्यभट्टीय अंक गणित बीज गणित सरल त्रिकोणमिति और गोली त्रिकोणमिति शामिल है इसमें शत भिन्न द्विघा समीकरण घास श्रृंखला और योग घास के योग और ज्याओं की एक तालिका शामिल है आर्यभट में कुल एक सौ आठ छंद हैं साथ ही परिचयात्मक तेरह अतिरिक्त है यह चार पदों अथवा अध्याय में विभाजित है गीतिक पाद गणित पाद काल क्रिया पाद, गोल पाद अब आर्य सिद्धांत के बारे में देखिए आर्य सिद्धांत आर्य सिद्धांत जो उनकी सेकंड बुक थी एक और बुक थी आर्य सिद्धांत खगोलीय गणनाओं के ऊपर एक कार्य है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ये ग्रंथ अब लुप्त हो चुका है और इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो या तो आर्यभट्ट के समकालीन बारह महीन के लेखनों से ये बारह महीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगी के लेखनों से अथवा बाद में गणितज्ञों और टिप्पणियों जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम आदि के कार्यों और लेखों से हमें इस ग्रंथों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है उनके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित है और सूर्य सूर्योदय की अपेक्षा दिवस गणना का उपयोग किया गया है इस ग्रंथ के ढेर सारे खगोलीय उपकरणों का भी वर्णन है इसमें मुख्यतः शंकु यंत्र छाया यंत्र संभवतः मापी उपकरण धनु यंत्र चक्र यंत्र एक बेलनाकार क्षणि यशी यंत्र छत्र और जल घड़ियाँ हैं उस समय कई उन्होंने टाइम टाइम पता करने के लिए कई चीज़ें बना के रखी थी और वो सूर्य की स्थिति से समय बता देते थे कि उस समय कितना बज रहा है अभी क्या हो रहा होगा उन्हें मौसमों की भी गणना होती थी कि कब कहते हैं ना उनको पता हो जाता था कि प्रलय आने वाला है या खूब बारिश होने वाली है या सूखा पड़ने वाला है तो वो सब उनके पास उस समय उन्होंने मशीने क्रिएट कर ली थी वो है कि सिंपल रूप में थी उतना वो नहीं था बट उन उन्होंने कई चीजें करके रखी थी उनके द्वारा एक तीसरा ग्रंथ भी उपलब्ध है पर यह मूल रूप में मौजूद नहीं है बल्कि अरबी अनुवाद के रूप में अस्तित्व में है अल या अल-नफ़ यह अल ग्रंथ आर्यभट के ग्रंथ का एक अनुवाद के रूप में दाबा प्रस्तुत करता है परंतु इसका वास्तविक संस्कृत नाम अज्ञात है यह पारसी विद्वान और इतिहासकार अबू रेहम अल द्वारा उल्लेखित किया गया है आर्यभट्ट का योगदान आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्यामिति सिद्धांत पर गहरा प्रभाव पड़ता है भारतीय गणित्व में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आर्यभट्ट ने 120 छाया छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित के को सूत्र रूप में अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभ्ट में प्रस्तुत किया था उन्होंने गणित के क्षेत्र में एक महान कारडी मिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली बार यह घोषणा की कि पृथ्वी स्वयं अपनी धूरी पर घूमती है ये उनके बारे में बेसिक है आगे कि वो मूल अंग प्रणाली आर्यभट्ट के कार्यों से स्पष्ट से विद्यमान की जाती है हालांकि उन्होंने शून्य दर्शनों के लिए किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया था परंतु गणितज्ञ ऐसा मानते हैं कि रिक्त गुणांक के साथ दस की घात के लिए एक स्थान धारण के रूप में का गान, के स्थान मूल प्रणाली में निहित हैरान और आश्चर्य करने वाली बात है आजकल के उन्नत साधनों के बिना ही उन्होंने लगभग डेढ़ हजार साल पहले ही इस ज्योतिष शास्त्र की खोज की जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कोपर्निकस 1473 से 1548 फोर्टी 43 ईस्वी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट हजार वर्ष पहले ही कर चुके थे गोलपाद में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इस महान गणितज्ञ के अनुसार किसी व्रत की परिधि और व्यास का संबंध बासठ हजार हजार आया है आता है जो चार दशमलव स्थान तक शुद्ध है आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39,963.0583 किलोमीटर है जो वास्तविक मान चालीस हजार तिहत्तर दशमलव शून्य एक छः सात किलोमीटर से केवल 0.2 परसेंट कम है मतलब ये देखिए कि वो कितना सटीक कैलकुलेशन कर पाते थे और उन्हें कितना नॉलेज था उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से ही स्टडी की थी आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए मैं आगे भी इसके जस्ट आगे इसके बाद अगले एशियन एशियंट जो थे उनके बारे में आपको डिटेल देने वाली हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद